नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अतुल। आइए रुक कर लेते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू त्रिपुरा दौरे पर, राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगी शुभारंभ। त्रिपुरा न्यायिक अकादमी का उद्घाटन और त्रिपुरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की रखेंगी आधारशिला। साथ ही अगरतला में आयोजित नागरिक स्वागत समारोह में भी लेंगी भाग। पीएम मोदी ने नवनिर्मित श्री महाकाल लोक कॉरिडोर को भक्तों को किया समर्पित। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा, भारत का ये सांस्कृतिक दर्शन एक बार फिर शिखर पर पहुंच, दुनिया के मार्गदर्शन के लिए हो रहा है तैयार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिडनी में भारतीय समुदाय के साथ किया संवाद। 2014 से भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में तेजी से हो रहे विकास को किया साझा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वॉशिंगटन में आईएसएफ और विश्व बैंक की सालाना बैठक में लेंगी हिस्सा। अपने समकक्ष जेनेट येलेन से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने आपसी हितों और आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने के साथ मौजूदा वैश्विक हालात पर भी किया विचार विमर्श। खेल की खबरों में, गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आज होगा समापन। समापन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे शामिल। आखिरी दिन वॉलीबॉल और बॉक्सिंग स्पर्धा में होगी खिताबी जंग। तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर भारत ने 2-1 से जीती सीरीज। जीत के लिए मिले 100 रन के आसान से लक्ष्य को टीम इंडिया ने 3 विकेट खोकर किया हासिल। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू का ये पहला पूर्वोत्तर दौरा है। अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी का उद्घाटन करेंगी और अगरतला के नरसिंहगढ़ में त्रिपुरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगी। राष्ट्रपति अगरतला में एमएलए हॉस्टल का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगी और त्रिपुरा सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी। अगरतला में आयोजित एक नागरिक स्वागत समारोह में भी वो शिरकत करेंगी। बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति मुर्मू अगरतला रेलवे स्टेशन से गुवाहाटी कोलकाता गुवाहाटी रेलगाड़ी और मणिपुर के होंगसांग तक अगरतला जुरीबाम जनशताब्दी एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। राष्ट्रपति आईआईटी गुवाहाटी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगी। शुक्रवार को वे असम सरकार के साथ साथ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन करेंगी, साथ ही आधारशिला भी रखेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में 800 करोड़ से अधिक की लागत से बन रहे महाकाल लोक के पहले फेज का लोकार्पण कर इसे श्रद्धालुओं को समर्पित किया। महाकाल लोक के लोकार्पण के दौरान अलग अलग प्रदेशों की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिली। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल की पूजा अर्चना और आरती कर चुके थे। आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी जमीनी तैयारी को तेज कर दिया। बीजेपी गुजरात गौरव यात्रा को आज से शुरू कर रही है। ये यात्रा 20 अक्टूबर तक चलेगी। गौरव यात्रा 5 स्थानों से 12 और 13 अक्टूबर को शुरू की जा रही है। यात्रा की शुरुआत आज 2 जगह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, जबकि 13 अक्टूबर यानी कल गृहमंत्री अमित शाह 3 जगहों से इस यात्रा को आरंभ करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की 3 यात्राओं में एक यात्रा को भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी गौरव यात्रा का नाम दिया गया है।
इन 9 दिनों में 9 केंद्रीय मंत्री इस यात्रा में शामिल होंगे और पूरे दिन यात्रा में ही गुजारेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए उपहारों की ई नीलामी का आखिरी दिन है आज। पीएम मोदी को भेंट किए गए 1200 से अधिक प्रतिष्ठित और स्मरणीय स्मृति चिन्हों की ई नीलामी 17 सितंबर से शुरू हुई थी। 17 सितंबर से शुरू हुई ई नीलामी पहले 2 अक्टूबर को समाप्त होने वाली थी, लेकिन इसकी तिथि इस महीने की 12 तारीख तक बढ़ा दी गई। नीलामी में रखे गए स्मृति चिन्हों में शानदार पेंटिंग्स, मूर्तिकला, हस्तशिल्प और लोक कलाकृतियों को शामिल किया गया है। अन्य आकर्षक स्मृति जो चिन्ह हैं उनमें अयोध्या के श्री राम मंदिर तथा वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की अनुकृतियां भी शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी। ई नीलामी से प्राप्त हुई धनराशि को नमामि गंगे कार्यक्रम के पवित्र ध्येय के लिए लगा दिया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सिडनी में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की। उन्होंने 2014 के बाद से भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में तेजी से विकास के अपने आकलन को साझा किया और शिक्षा, प्रौद्योगिकी, संसाधनों और गतिशीलता सहित साझेदारी में फोकस के नए क्षेत्रों को रेखांकित किया। एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच संबंधों को अगले स्तर तक ले जाने में भारतीय समुदाय की भूमिका पर भी जोर दिया। इससे पहले उन्होंने मंगलवार शाम सिडनी में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के जो सदस्य हैं, साथ ही उसके समुदाय के जो नेता हैं, उनसे मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये नेता हमारे दोनों देशों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं विदेश मंत्री ने सिडनी में लोवी इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक माइकल फुरिलोव के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक वैश्विक विकास के संदर्भ में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। क्रिकेट का खेल भारत और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने का काम करता है। इसी कड़ी में एस जयशंकर ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने वहां पूर्व ऑस्ट्रेलियन कप्तान स्टीव वॉ से मुलाकात की। दोनों ने बातचीत के दौरान क्रिकेट और अन्य अनुभव साझा किए। स्टीव वॉ ने साथ ही महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के साथ खेलने का जो अपना अनुभव है उसे साझा किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की सालाना बैठक में भाग लेने के लिए 6 दिवसीय अमेरिका की यात्रा पर हैं। अपने यात्रा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलन से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों और अन्य मुद्दों के साथ मौजूदा वैश्विक हालात पर विचार विमर्श हुआ। वहीं वित्त मंत्री ने अमेरिका में ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत विकसित और विकासशील देशों के G20 समूह की एक वर्ष की अध्यक्षता के दौरान बहुपक्षीय संस्थानों को मजबूती देने में प्राथमिकता प्रदान करेगा। उन्होंने ये भी माना कि बहुपक्षीय संस्थानों को मजबूत करने की आवश्यकता है और महामारी या ऐसे दबाव वाले वैश्विक घटना से निपटने के लिए उनकी क्षमता भी बेहतर बनाई जानी चाहिए। साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मकसद रोजगार पैदा करना है। केंद्रीय मंत्री ने प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए वित्तीय मदद की आवश्यकता को रेखांकित किया। साथ ही जलवायु वित्तीय सहयोग का भी उल्लेख करते हुए उन्होंने विकसित देशों को इस कोष में योगदान करने के साथ साथ विकासशील और कम विकसित देशों को कार्बन उत्सर्जन की समस्या के समाधान में मदद करने का भी आह्वान किया। और अब वक्त हो चला है डीडी प्रीमियर्स का। नमस्कार, डीडी प्रीमियर्स में आज फिर आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने इस खास सेगमेंट में आपके साथ बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके साथ कॉरपोरेट सरपंच की। आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि इंद्रेश को सता रहा है विधेयक को दिए गए अपने वादे के टूट जाने का डर, और उधर विधेयक के ही डर की वजह से पूजा का रिश्ता भी खतरे में पड़ता नजर आ रहा है।
उसको देखने लड़के वाले आए। अरे किसको? पूजा को। अरे कौन पूजा? इंद्रेश की भतीजी जिसके साथ हमारी शादी टूटी थी। उसकी शादी होगी तो हमारे साथ होगी, वरना खून खराब होगा। मैंने एमएलए साहब से वादा किया है कि गिन्नू की शादी तो पूजा से ही होगी, और जब वो बालिग होगी ना तो उसकी शादी एमएलए साहब के बेटे से ही होगी। वादा आपने किया सर, आप जानो। क्षमा कीजिए, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। अरे लेकिन अभी तो थोड़ी देर पहले आप रिश्ता तय करके गए थे। पर आपने बताया नहीं था कि एमएलए साहब भी अपने बेटे की शादी पूजा से करना चाहते हैं। तो क्या पूजा की शादी हो पाएगी? ये जानने के लिए देखिए कॉर्पोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। शीघ्र अतिशीघ्र बताओ मुझे। अचानक वर्षा होने से गोकुल में लगी अग्नि बुझ गई है, और आश्चर्य की बात यह है कि पक्षियों द्वारा संदेश भेजा है कि वो बालक अभी भी जीवित है महाराज। अब तो और माखन नहीं खाएगा, समझा? ठीक है। लो देख लो मैम, इसमें कुछ नहीं। और बाल कृष्ण में आप देखेंगे कि अपनी सारी योजनाओं को विफल होता देखकर कंस उठा रहा है एक और कदम। क्या रहेगा उसका कदम? और साथ ही दूसरी तरफ बाल कृष्ण अपनी माँ यशोदा को करा रहे हैं ब्रह्मांड का दर्शन। आगे जानने के लिए देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार 9:00 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। तो आप उठाइए इन खास धारावाहिकों का आनंद और हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार। और डीडी प्रीमियर्स के बाद आइए रुक करते हैं खेल की खबरों का। गुजरात में जारी राष्ट्रीय खेलों को आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन बॉक्सिंग और वॉलीबॉल के खिताबी मुकाबलों में खिलाड़ी पदक के लिए मैदान में उतरेंगे। वहीं आज शाम राष्ट्रीय खेलों के इस संस्करण का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। बात फीफा की। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की शुरुआत हो चुकी है। ग्रुप ए के अपने पहले मैच में भारत का सामना अमेरिका से भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुआ। अमेरिका के साथ खेले गए ओपनिंग मुकाबले में भारत को 0-8 से हार का सामना करना पड़ा। बात क्रिकेट की। भारत ने दिल्ली में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने जीत के लिए भारत को 100 रन का लक्ष्य दिया था। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में बस इतना ही। मुझे और अतुल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।